बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अंशु सिंह, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र तक का अगला भाग पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने कोशिका की संरचना एवं संगठन, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर, उत्तक का सामान्य परिचय तक पढ़ लिया है। बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर बनी होती है। कोशिका में अनेक कोशिकांग होते हैं जो जीवन संबंधित क्रियाओं को करते हैं। उसके बाद हमने जंतु और पादप ऊतक के बारे में पढ़ा। हम ये जान लिए कि कोशिकाओं का एक समूह जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं और किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं, उनको ऊतक कहते हैं। उसके बाद हमने कि विभाजन क्षमता के आधार पर जंतु ऊतक, पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, विवजोतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। इसी तरह उसके बाद हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा। जंतु ऊतक विभिन्न प्रकार की होती हैं, एपिथीलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे और पौधों में समन्वयन हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखें कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या कार्य होता है। बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती रहती हैं और जीवन संबंधित इन क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे हमारे पाचन क्रिया हमारे शरीर में आहार नाल द्वारा होता है। अब किसी प्रकार से आहार नाल द्वारा प्रॉपर पाचन क्रिया ना हो तो हमें संपूर्ण पोषण नहीं मिलेगा। पोषण ठीक से ना मिलने की वजह से शरीर को जीवन संबंधित क्रियाओं के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर देखें कि उत्सर्जी अंग वृक्क द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसी प्रकार से अगर वृक्क सुचारू रूप से कार्य न करे तो उत्सर्जी पदार्थ रुधिर में रह जाएंगे, जिससे सारी जैविक क्रियाएं प्रभावित होंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जीवन संबंधित ये क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। इन क्रियाओं का आपस में तालमेल होता है और जीवन संबंधित इन क्रियाओं का आपस में तालमेल तथा समायोजन ही समन्वयन कहलाता है। बच्चों, जंतुओं में समन्वयन की क्रिया तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संपन्न की जाती है। आइए देखें तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर के सारे उद्दीपनों और संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उससे संबंधित प्रतिक्रिया करता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें मस्तिष्क शरीर का सबसे कोमल भाग होता है और मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित होता है। देखिए, ये ऊपर से आप छुएंगे तो ये टाइट कड़ा सा कठोर भाग ये कपाल कहलाता है और इसी कपाल में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। बच्चों, मस्तिष्क शरीर की सारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे सूंघना, छूना, रंगों के का ज्ञान, इन सभी क्रियाओं का नियमन मस्तिष्क द्वारा होता है। बच्चों, जंतुओं में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क शक्ति की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आइए देखें रीढ़ रज्जु। बच्चों, मस्तिष्क पीछे से लंबी और खोखली हो जाती है। आप देखिए, यहाँ पीछे जो होता है वो लंबी और खोखली हो जाती है, इसी को रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है। आप पीछे आपने अनुभव किया होगा, ये रीढ़ की हड्डी लंबी खोखली सी रहती है, इसमें जो होता है रीढ़ रज्जु सुरक्षित रहता है और
ऋण रज्जु द्वारा शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण होता है। इसके बाद देखें तंत्रिकाएं। बच्चों, तंत्रिकाओं का शरीर में जाल सा फैला होता है, पूरी शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बना होता है। तंत्रिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और दो प्रकार की होती हैं, कपाल तंत्रिका और ऋण तंत्रिका। कपाल तंत्रिका ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये देखिए, ये कपाल तंत्रिका है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो सभी ऐच्छिक क्रियाएं जैसे सूंघना, छूना, सुनना, इन सबों का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा कपाल तंत्रिकाओं के सहयोग से होता है। उसके बाद आए ऋण तंत्रिकाएं। ऋण रज्जु के चारों तरफ शरीर के सभी आंतरिक भागों में और त्वचा के नीचे ऋण तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है और ये ऋण तंत्रिकाएं सभी अनैच्छिक क्रियाओं की संवेदना को ऋण रज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। बच्चों, इसके अलावा एक कोशिकीय जीव अमीबा या बहुकोशिकीय जीव स्पंज की बात करें तो इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है और इनके पूरे शरीर द्वारा ही संवेदना को ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा बात करें हाइड्रा, केचुआ या एस्केरिस की, तो इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है, जबकि कशेरुकी जीव जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, इनमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। तो अब हम जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वयन जान लिए। तंत्रिका समन्वयन के अलावा शरीर में रसायनों द्वारा भी शारीरिक क्रियाओं का समन्वयन होता है। इन रसायनों को हार्मोन बोलते हैं और ये हार्मोन कुछ विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बच्चों, जो ये हार्मोन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रुधिर में पहुंचा दिया जाता है और फिर रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में ये हार्मोन पहुंच जाते हैं और फिर ये विभिन्न कार्यों को प्रेरित करते हैं। बच्चों, हार्मोन चूँकि विशिष्ट रसायन होता है और इस रसायन द्वारा संदेश को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है जिससे शरीर की क्रियाएं प्रेरित होती हैं, इसीलिए हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उत्तेजित या क्रोधित क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर में अधिवृक्क द्वारा स्रावित एड्रीनलिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो वो उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। पुनः सामान्य स्थिति में उसको लाने के लिए अधिवृक्क से नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है और व्यक्ति सामान्य हो जाता है। तो इस तरह हार्मोन अपने कार्य को करते हैं। आइए कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानें और उनका कार्य जानें। बच्चों, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन से शरीर के वृद्धि का नियंत्रण होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, बौने हो जाते हैं बच्चे, और अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है तो व्यक्ति भीमकाय हो जाते हैं। इसी तरह आइए देखें थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो उपापचय क्रियाएं शरीर की प्रभावित होती हैं। इसी तरह अब देखें पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है और ये रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है।
उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन तथा नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है जो शरीर जो उत्तेजना को क्रोध को नियंत्रित करता है। उसके बाद आइए अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन। अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी तरह आइए वृषण नर में पाया जाता है, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है और टेस्टोस्टेरोन नर जनन अंगों के विकास को प्रेरित करती है तथा टेस्टोस्टेरोन द्वारा शुक्राणुओं के बनने को नियंत्रित किया जाता है। इसी तरह अंडाशय मादा में पाया जाता है, इसके द्वारा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है और ये मादा जनन अंगों के विकास को प्रेरित करती है और ये अंडाणुओं के बनने को नियंत्रित करती है। तो बच्चों ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उनके द्वारा स्रावित हार्मोन है और उनका कार्य हमने पढ़ लिया। हम ये देख लिए कि विभिन्न हार्मोन किस प्रकार शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब आइए देखें पादप में किस प्रकार समन्वयन होता है। बच्चों हमने जंतुओं में समन्वयन पढ़ लिया, हम देखें कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन पाया जाता है जिससे जंतुओं के विभिन्न क्रियाओं में समन्वयन होता है, लेकिन पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है तो पौधों में समन्वयन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि छुई मुई का पौधा, जब हम छुई मुई की पत्तियां छूने जाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। इसी तरह आप जब भी बीज बोइए तो देखिए जड़ नीचे की ओर होता है और प्ररोध तंत्र यानी तना ऊपर की ओर विकसित होता है। तो पौधों में इन क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है? बच्चों पौधों में इन क्रियाओं का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। पौधों में विभिन्न हार्मोन पाए जाते हैं जो पर्यावरण में हुए बदलाव के प्रति समन्वयन स्थापित करते हैं। बच्चों पौधों में हार्मोन समन्वयन तो स्थापित करते ही हैं, विभिन्न क्रिया पौधों के विभिन्न क्रियाओं के प्रति समन्वयन तो स्थापित करते ही हैं, साथ ही साथ पौधों में वृद्धि प्रकाश और जल के प्रति उद्दीपन संबंधित क्रियाओं को भी हार्मोन ही प्रेरित करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि चने का जब छोटा ही पौधा रहता है तो चने के पौधे को ऊपर से खोट दिया जाता है, ऊपर से तोड़ दिया जाता है, किसान उसको तोड़ देते हैं जिसको खोटना कहते हैं। उसके बाद उससे और शाखाएं निकलने लगती हैं। अगर उसको ना खोटा जाए तो एक केवल एक सिंगल लंबी शाखा जाएगी, और खोट दिया जाता है तो कई शाखाएं उससे निकलती हैं। तो पौधे में जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ये पौधे को लंबाई में वृद्धि के प्रेरित करता है। इसी तरह जिब्रलिन हार्मोन क्या करता है? तने की पर्व की वृद्धि को प्रेरित करता है। बच्चों तने की पर्व की वृद्धि को कौन प्रेरित करता है? जिब्रलिन हार्मोन। साथ ही साथ बच्चों अंगूर के गुच्छे की लंबाई और अंगूर के आकार को भी जिब्रलिन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद आइए देखिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बच्चों पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो जहाँ जहाँ कोशिका विभाजन तेजी से होता है वहाँ पे साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में पाया जाएगा। बच्चों पौधों के बीज और फल में साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड पौधे में वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है। हम जानते हैं कि रंध्र के खुलने से वाष्पोत्सर्जन तेजी से होगा, बंद होगा तो वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित हो जाएगा। तो क्या हो करता है, ये रंध्रों के बंद होने के प्रेरित करता है जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया नियंत्रित होती है। साथ ही साथ बच्चों एब्सिसिक एसिड द्वारा पत्तियों का झड़ना भी प्रेरित होता है, पौधे में पत्तियों का झड़ना इसी एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। उसके बाद देखें एथिलीन हार्मोन। एथिलीन क्या करता है, कच्चे फलों को पकाने का कार्य करता है, जैसे केला, संतरा, आम, इन आदि फलों को तेजी से पकने में एथिलीन सहायक होता है। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि पौधों में समन्वयन हार्मोन द्वारा होता है। बच्चों यहाँ कोशिका से अंग तंत्र तक पाठ पूर्ण हुआ। बच्चों आज हमने ये पढ़ लिया कि जंतुओं में समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों होते हैं, और तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर जंतुओं के विभिन्न क्रियाओं को में समन्वयन स्थापित करते हैं, जबकि पौधों के विभिन्न क्रियाओं में समन्वयन के लिए हार्मोन होते हैं। बच्चों हमने इस पाठ को तीन भागों में बांटा था, आज ये तीसरा पाठ था जो पूर्ण हुआ। इससे संबंधित ये गृह कार्य है, इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के संग। धन्यवाद।